तो आज हम लोग बात करेंगे कि मायावती की जो ठिकानों पर रेड्स पड़ रही हैं। अब तक बहुत लोगों ने न्यूज़ में पढ़ लिया होगा कि ईडी ने मायावती के 6 ठिकानों पर, अलग अलग 6 से 7 ठिकानों पर रेड डाली है। ये रेड जो उन्होंने अपने टेन्योर में शहीद स्मारक बनवाने में जो स्कैम किया था 1400 करोड़ का, उसको पता करने के लिए। एक्चुअली ये थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव भी हो सकता है, अगर मतलब बिल्कुल क्वेश्चन मार्क्स हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स का खेल जैसे माहौल है, जो चुनाव आ रहे हैं और अखिलेश और मायावती एक तगड़े कैंडिडेट साबित हो सकते थे, तो इसलिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव भी हो सकता है। क्योंकि अभी इस रेड से पहले ईडी ने अखिलेश के यहाँ भी बहुत सारे 14 ठिकानों पर रेड मारी थी, जो सैंड और कोल माइनिंग स्कैम था, तो और उसके बाद अब तुरंत इनके यहाँ, तो हो सकता है कि इन लोगों के उत्तर प्रदेश में छवि खराब करने के लिए बीजेपी भी करवा सकती है। लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने टेन्योर में सारे स्कैम्स किए हैं, तो कभी ना कभी खुलना था, तो नेचुरल भी माना जा सकता है। लेकिन ये जो समय है, ये थोड़ा क्वेश्चन में आ जाएगा। बाकी और डिटेल्स आएंगी तो बता दूंगा। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और कोई सवाल हो जाओ तो कमेंट कर सकते हैं।